में विराट कोहली ने 9000 रन पूरे कर लिए हैं। 116 मैचों की 197 पारियों में 9000 रन पूरे किए। विराट कोहली के 9000 टेस्ट रन पूरे हो गए और कोहली ने टेस्ट में 29 शतक और 31 अर्धशतक लगाए हैं अब तक। तो विराट रिकॉर्ड आप इसे कह सकते हैं, विराट आंकड़ा 9000 रन कोहली का शानदार टेस्ट करियर ये गवाही दे रहे हैं आंकड़े। सचिन द्रविड़ गावस्कर के बाद कोहली के सबसे ज़्यादा रन, तो ये रिकॉर्ड, इस रिकॉर्ड का इंतजार था लंबे अरसे से, लेकिन अब जाकर वो रिकॉर्ड पूरे हो गए। कोहली का शानदार टेस्ट करियर और अपने आप में विराट ये रिकॉर्ड है। 116 मैचों की 197 पारियों में 9000 टेस्ट रन पूरे हुए हैं। मनोज जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्पोर्ट्स एडिटर। मनोज जी, विराट रिकॉर्ड, विराट आंकड़ा, हालांकि इंतजार लंबे अरसे से था इस रिकॉर्ड का। जी बिल्कुल, सचिन द्रविड़ और गावस्कर जैसा कि आपने कहा कि इनके बाद वो चौथे ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं और निश्चित तौर पर ये बधाई के पात्र हैं। और इतना लंबा सफर आप देखिए कि 22 गज पर 16 साल तक ये टिके रहे और इनकी पारी अनवरत अभी जारी है। और जिस तरीके से इनका अगर आप पूरा 9000 का पूरा सफर अगर आप देखते हैं तो सबसे ज्यादा रन इनके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैं, जहां इन्होंने 2042 रन कुछ बनाए हैं। और इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने 1991 रन बनाए हैं, यानी जो दुनिया की दो अच्छी टीमें हैं उनके खिलाफ इनके सबसे अधिक रन हैं। एवरेज देखेंगे आप तो इनका श्रीलंका के खिलाफ जो है 67.81 का इनका औसत है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी 54.15 का औसत है। सबसे ज्यादा सेंचुरियां इनकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, और 8 सेंचुरी और 5 हाफ सेंचुरी इन्होंने बनाई है। इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने 5 सेंचुरी बनाई है, 9 हाफ सेंचुरी बनाई है। श्रीलंका के खिलाफ 5 सेंचुरी बनाई है इन्होंने। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा प्लेयर जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है, टीम की उम्मीदों पर खरा उतर रहा है, जहां जरूरत होती है सेंचुरी की वहां सेंचुरी बनाता है, जहां इसके सामने यंगस्टर्स आते हैं तो यंगस्टर्स को प्रमोट करने का काम करता है। और जिसे आज आपने पारी देखी सरफराज खान के साथ जिस तरह से इन्होंने सेंचुरी पार्टनरशिप की, सरफराज एक युवा उभरते हुए खिलाड़ी हैं, उनका मॉरल बूस्टअप करना, ये इनके विराट कोहली के व्यक्तित्व की एक विशेषता है। और ये पारी मैं कहूंगा कि आगे चलती रहेगी इनकी और ये जल्दी ही 10000 रन पूरे करेंगे, ऐसी हमारी दुआ है, ऐसी हमारी इच्छा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि विराट कोहली रिकॉर्ड देखते होंगे, रिकॉर्ड के लिए वो सोचते होंगे कि अरे मेरा ये इतना रन है और थोड़ा खेलूंगा और बनाऊंगा तो इतने रन पूरा हो जाएगा। और वो विराट कोहली जैसे इस मैच में भी मुश्किल वक्त में मोर्चा संभाल लेते हैं, अब वो फिर मैच जिताने के लिए फिर खेलते हैं, रिकॉर्ड उसमें बन जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो बड़े खिलाड़ी का लक्षण ही यही है कि वो अपने रिकॉर्डों के लिए नहीं खेलता, रिकॉर्ड अपने आप बन जाते हैं और उनका लक्ष्य होता है भारत को जिताना या फंसे हुए मैच में भारत को बचाना। और उन्होंने भारत को काफी मैच बचाए हैं और कई मैचों में उन्होंने जीत भी दर्ज कराई है। उनकी आप पर्थ की एक सेंचुरी को आप याद कर लें, आप उनके 149 रन की आप इंग्लैंड के खिलाफ जो एडवेस्टन में उन्होंने पारी खेली थी उनको याद कर लें, वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ जो उन्होंने पारी खेली थी सेंचुरी बनाई थी, एक हारा हुआ मैच जो है उन्होंने ड्रॉ करा दिया था। तो इस तरह की बहुत सी पारियां हैं जो विराट को विलक्षण बनाती हैं और विराट कोहली का होना टीम में बाकी सभी खिलाड़ियों के लिए एक स्फूर्ति पैदा करता है और यंगस्टर्स को तो मैं समझता हूं कि एक तरह से एक टॉनिक मिल जाता है कि सामने जब विराट कोहली होते हैं तो फिर उनके साथ उनकी जुगलबंदी देखते ही बनती है। टेस्ट क्रिकेट एक ऐसा गेम माना जाता है, क्योंकि क्रिकेट में वनडे फिर T20 भी आ गया, लेकिन टेस्ट क्रिकेट आज भी माना जाता है कि जो शुद्धता है क्रिकेट को लेकर, अगर हम शुद्धता की बात करेंगे तो टेस्ट क्रिकेट है, उसमें 9000 रन 197 पारी, आगे क्या देखते हैं विराट कोहली का भविष्य आप? देखिए विराट कोहली का भविष्य उज्ज्वल है और क्योंकि ये तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हैं। अगर आप गावस्कर को देखें, गावस्कर के समय तो खैर कपिल देव और गावस्कर के इन सब के समय T20 क्रिकेट होता ही नहीं था, लेकिन सचिन तेंदुलकर बिल्कुल T20 से एक ही मैच खेले, उसके बाद वो खेले नहीं, लेकिन विराट कोहली तीनों फॉर्मेट खेलते हैं और तीनों फॉर्मेट में अपनी मौजूदगी दर्ज करते हैं और एक रोल मॉडल है बहुत बड़े समुदाय के। तो मैं समझता हूँ कि आगे आने वाला समय जो है उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा है कि वो इसी तरीके से अपनी पारियों को आगे बढ़ाएं, भारत को जिताएं। और क्योंकि नंबर 4 पर ये अभी तक खेल रहे थे, इनको प्रमोट करके नंबर 3 पर भेजा गया और उस पर भी उन्होंने उस कसौटी पर वो ये खड़े उतरे, जो ठीक उसी तरह जैसे इंग्लैंड और पाकिस्तान के मैच में जो रूट को प्रमोट करके
नंबर चार से तीन पर भेजा गया, उन्होंने डबल सेंचुरी बनाई। हालांकि वो जो फैफ फोर की जो रेस है उसमें थोड़े से विराट कोहली जो रूट की तुलना में पिछड़ रहे हैं इस समय, लेकिन भारत को जो जरूरत है उनकी वो उस उनकी अपेक्षाओं पर पूरी तरह से खरे उतर रहे हैं और आगे भी उतरेंगे, ऐसी देश की इच्छा है। चलिए, जिस टेस्ट मैच में ये आंकड़ा ये बनाया है उन्होंने 9000 रन पूरे किए हैं उस मैच की भी जिक्र कर लेते हैं। उस मैच में लेकिन भारत को लेकर थोड़ी चिंता जरूर है, भारत के प्रदर्शन को लेकर। विराट कोहली ने मुश्किल वक्त में मोर्चा भले ही संभाला लेकिन विराट कोहली भी अब पवेलियन लौट चुके हैं। अब इस मैच में क्या देख रहे हैं आप, 125 रन शायद अभी भी पीछे हैं। जी शायद जी बिल्कुल 125 रन का सही आंकड़ा आपने बताया, 125 रन भारत अभी भी पीछे है। और अभी तो भारत जो है वो जो पुराना कर्जा है उस कर्जे को चुकाने में लगा हुआ है, जो 46 रन पर आउट हो गया था, 356 रन की बढ़त हासिल हुई थी इंग्लैंड को और वो 356 रन की बढ़त से को पूरा करने में अभी लगा हुआ है। रोहित शर्मा और यशस्वी ने अच्छी शुरुआत दी, फिर विराट कोहली और साथ में सरफराज खान ने 136 रन की पार्टनरशिप करके खतरे को काफी हद तक टाला, लेकिन विराट कोहली का आउट होना ग्लेन फिलिप्स की गेंद पर और उसके बाद आज का दिन का की समाप्ति होना, ये थोड़ी सी भारत के लिए चिंता का विषय है क्योंकि टेक्निकली भारत का अभी खाता नहीं खुला है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोज जोशी जी हमसे बात करने के लिए। और विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में 9000 रन बना लिए, जरूरी अब ये है कि इस टेस्ट